गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है जस्ट लाइक एक्सरसाइज 3.1 की तरह ही है, इसलिए मैं इसका सिर्फ आपको इक्वेशन बताऊंगी, बाकी इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे। हाँ, इसका जो पार्ट 2 है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो मैं आपको इक्वेशन और प्लस पूरा सॉल्यूशन करके दिखाने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz, यानी कि क्लास 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज को x मानते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को y मानते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ 10 है तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस y इक्वल 10 लिखेंगे। ओके, फिर इसी में दिया हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स को किससे रिलेट किया गया है, नंबर ऑफ बॉय से। तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को y लिया है तो y इक्वल क्या है, x प्लस 4, क्योंकि बॉयज के नंबर से 4 वो एक्सीड कर रहा है, तो y इक्वल क्या होगा, x प्लस 4। तो ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, और बाकी जो है इसका मेथड सेम है, आप इसमें भी चार दो दो वैल्यू ले लीजिए, मीन्स फर्स्ट टाइम x की वैल्यू y 0 और दूसरी बार y की वैल्यू 0 ले, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैसे ही करें, x और y की वैल्यू 0-0 लेके इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप ग्राफ पे देखोगे कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आपको इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे। ओके, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो थोड़ा इसका डिफिकल्ट है। ओके, इसमें कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। इसका मतलब आप सबसे पहले लेट करो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज x मान लो। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज y। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स है और 7 पेन, तो 5 पेंसिल और 7, एक काम करो पहले पेंसिल को ही x मान लो, अब पेन को मान लो, तो 5x प्लस 7y इक्वल है 50। ओके, और फिर इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेंस यानी कि 5y इक्वल रुपीज 46 है। अब आपको इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन आपको निकालना है, तो ये आप इक्वेशन 1 मानोगे, अभी से आप इक्वेशन 2 मानोगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना, ग्राफिकली का मतलब फिर से अगेन आप x और y की वैल्यू 0-0 डाल के जो आपका सॉल्यूशन मिलेंगे और उसे ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे। ठीक, तो आप लिखिए 4 इक्वेशन 1, अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो 5x की जगह पे क्या लिखोगे, 5 × 0 प्लस 7y इक्वल 50। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 ले रही हूँ ना, तो y की वैल्यू हमारी क्या में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए हम x की वैल्यू 0 ना लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 5 × 3 का क्या होता है, 15 प्लस 7y इक्वल 50। तो 7y इक्वल क्या होगा, 50 − 15, तो 7y इक्वल 35। अब 35 जो है क्या है, 7 का मल्टीपल है ना, इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी 35 / 7, ये 5 आएगा। ओके, अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, इफ y = 0 लेंगे तो 5 × 5 = 7 × 0 = 50, तो 5x + 0 = 50,
तो x की वैल्यू क्या होगी, 50 डिवाइडेड बाई 5, ये 10 आ गया। ओके, अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू हमने 3 लिया, तो y कितना आया, 5 आया, और y जब 0 लिया तो x की वैल्यू 10 आया। ओके, अब इन दो सॉल्यूशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन फिर हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो आप लिखो 4 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 ये है, तो इक्वेशन 2 लिख लो आप, 7x + 5y इक्वल क्या है, 46 है। ठीक है, अब y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 लेते हैं। सॉरी, इफ x इक्वल 3 लेते हैं तो 7 × 3 + 5y इक्वल 46, तो 21 + 5y इक्वल 46, तो 5y इक्वल क्या होगा, 46 − 21, ये आ गया 25। तो y की वैल्यू क्या होगी, 25 / 5 ये कट के 5 आ गया। ओके, अब देखो y की वैल्यू मैं क्या लूँ कि ये 7 का मल्टीपल आ जाए, तो इफ y इक्वल मैंने लिया y इक्वल क्या ले सकते हैं, वाई की वैल्यू 2 ले लेते हैं, -2। ओके, तो 7x + 5 × -2 इक्वल 46, तो 7x - 10 इक्वल 46। अब ये -10 इधर आएगी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 7x = 46 + 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 56/10। अब 56 क्या है, 7 का डिविजिबल है, तो 7 × 56, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब इसकी टेबल बनाइए आप, x की वैल्यू 3 लिया आपने, तो y की वैल्यू 5 आ गई। ओके, और x की वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू -2। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ओके, तो हम लेते हैं x एक्सिस पे 10 तक के लिए चाहिए, तो हम 2 का मल्टीपल्स ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें भी माइनस वैल्यू भी है ना, तो इसलिए हम माइनस में भी लेंगे, -2 - 4 - 6, फिर यहाँ पे लो 2, 4, 6, 8, 10, और अच्छा वाई की वैल्यू तो मैक्सिमम 5 ही है, हमें इतना भी नहीं लेना है, तो -2 - 4 - 6 ले लिया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अब x जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज को, तो आप लिखो ये क्या है, नंबर ऑफ बॉय, और गर्ल्स को क्या शो कर रहा है, नंबर, ये y एक्सिस, तो नंबर ग्राफ पे आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ पे x की वैल्यू 3 है, तो y 5 है, 3 और y 5, और x की वैल्यू 10 है, तो y 0 है, तो इसकी वैल्यू। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे,
अब दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 5 है, यानी कि ये कंबाइंड वैल्यू है हमारी, और ये एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू -2 है। इट मीन्स कि इन दोनों को भी जोड़ करेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसका क्या है सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन क्या हुआ 3, 5, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹3। अब कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो क्या है ₹5। तो ये आंसर है। इसमें आपने देखा है कि 0-0 लेने पे हमारी वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। फ्रैक्शन भी ऐसा है जिसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना मुझे मुश्किल हो रहा है, 50/7, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट आप करोगे। ओके, तो इसलिए हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से माइंड में ही देखना है या साइड में करके देखना है कि किस में हमारे होल नंबर आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप करना मुश्किल था, इसलिए मैंने ये एक करवा दिया एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3, 4, 5 जो है वो सारा सेम रूल पे चलेगा, जो मैंने कंडीशंस लिखाए थे स्टार्टिंग में, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, उसी पे ये सारे क्वेश्चन ये बेस्ड है। तो आप वीडियो को पॉज करके सारा नोट कर लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 and c1 c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि ये तीनों कंडीशन के बारे में पूछ रहा है कि किस में कौन सी कंडीशन है, आप जस्ट इक्वेशन चेक करो और बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में करवा दी, बाकी खुद से होमवर्क करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में दे रहा है इक्वेशन है 5x-4y + 8=0, 7x+6y-9=0। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो और हमें बताना है कि ग्राफ में लाइन जो है इंटरसेक्टिंग आ रही है या पैरेलल आ रही है या कोइंसिडेंट आ रही है, तो आपको इसका रेशियो मिलेगा। तो a1/a2 क्या हो गया 5/7, b1/b2 हो गया -4/6, और c1/c2 हो गया 8/9। अब देखो आपको देख के पता, कंपेयर अगर आप करते हैं तो a1/a2 ≠ b1/b2, इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके सारे क्वेश्चन दो में दो करेंगे। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कह रहा है कि कंपेयर करने आपको, और कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो भी तीनों कंडीशन पे बेस्ड है आपका। तो सबसे पहले आप लिखो 3x+2y = 5, और 2x-3y = 0। जब भी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। तो 3x+2y - 5 = 0, और 2x-3y - 7 = 0। अब यहाँ पे भी हम रेशियो निकालेंगे, a1/a2 क्या है 3/2, और b1/b2 है 2/-3, c1/c2 जो है वो क्या है -5/1,
माइनस एआर। तो ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू है। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो क्या आप बोलोगे, इट इज कंसिस्टेंट। जिसमें भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, वो इक्वेशन हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ओके, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री का, दोनों का मैंने एक एक पार्ट किया है, बाकी के पार्ट आप करेंगे। और इट मे बी कि मैं अगली वीडियो जो डालूंगी उसमें मैं ये सारे पार्ट दे दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अंदर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हैं।